नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष ठाकुर और कृष्णा एकेडमी की पैरामेडिकल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के बारे में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है वो ब्लड बैंकिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम उसकी आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है जी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? ट्रांसफ्यूजन जो है वो प्रक्रिया जिसमें जब किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है उसको जब हम ब्लड चढ़ाते हैं तो ब्लड चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है आपकी ट्रांसफ्यूज़न। और उसके दौरान या उसके बाद जो भी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन या कोई सिम्टम आपके जनरेट होते हैं तो वो आपके क्या कहलाएंगे? ब्लड ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन। तो यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो सीधी सीधी परिभाषा हो जाएगी इसकी, कॉम्प्लिकेशंस अराइज After or during transfusion। ठीक है जी, ऐसी कॉम्प्लिकेशन जो ट्रांसफ्यूजन के दौरान या ट्रांसफ्यूजन के थोड़ी देर बाद या कुछ देर बाद जो बॉडी में आती है वो क्या कहलाएंगी? आपकी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, ये दो टाइप की हो सकती है, या तो ये एक्यूट होंगी या ये डिलेड होंगी। एक्यूट मतलब ब्लड जब चढ़ रहा है, ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन, ड्यूरिंग जब जो ब्लड है वो चढ़ रहा है, तो इसमें ऐसी सिचुएशन में यदि किसी को रिएक्शन होती है तो वो आपकी क्या कहलाएंगे? एक्यूट ट्रांसफ्यूजन और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। और डिलेड क्या? डिलेड मतलब ब्लड चढ़ चुका है, आफ्टर ब्लड चढ़ने के बाद जो रिएक्शन होंगी वो आपकी होंगी डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ठीक है जी, यदि हम बात करें इनके टाइप्स की तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है वो मेजरली दो टाइप की होती है। दो टाइप की कौन कौन सी होगी? एक तो होगी नॉन हीमोलाइटिक और दूसरी होगी आपकी हीमोलाइटिक। क्या मतलब हुआ इसका? इसका सीधा सीधा मतलब है हीमोलाइसिस से, हीमोलाइसिस। जैसा कि आप हीमोलाइसिस में जानते हैं जो आरबीसी होती है, आरबीसी क्या होती है? यदि आरबीसी रप्चर्ड हो जाए, ठीक है जी, आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाए या आरबीसी जो है वो क्या हो जाए? रप्चर्ड हो जाए, उसके सेल वॉल जो है वो रप्चर्ड हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए आरबीसी की शेप में, साइज में, और ये टूट जाए, तो वो पूरी जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी? आपकी हीमोलाइसिस। ठीक है, इसीलिए ऐसी जो प्रोसेस या ऐसी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जिसमें आरबीसी का शेप और शेप साइज बदल रहा है प्लस वो रप्चर्ड हो रही है या फ्रेगमेंट में बदल रही है तो वो आपकी क्या कहलाएगी? हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। बट जिसमें आरबीसी के शेप में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, कोई भी उसमें रप्चर जो है उसकी सेल वॉल है वो नहीं हो रही है, तो वो आपकी क्या कहलाएंगी? नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। आज की इस वीडियो में हम नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है जी, यदि हम नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा कि जो नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इसमें हीमोलाइसिस नहीं हो रहा है आरबीसी का, जैसा कि आपको पता है, ये मेजरली तीन टाइप की होती है। तीन टाइप कौन कौन से होंगे? पहला टाइप जो हो जाएगा नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का वो होगा आपका FNHTR, जिसकी क्या फुल फॉर्म है? फिब्राइल नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शन। ठीक है जी, फिब्राइल नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शन, ये हो जाएगा क्या? FNSTR की फुल फॉर्म। ये कंडीशन कब आएगी? इसमें होता क्या है जनरली? FNSTR की यदि हम बात करें तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें जो बॉडी टेम्परेचर है वो लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? फीवर, ठीक है जी, फीवर होगा, चिल्स मतलब ठंड लगेगी सस्पेक्ट को, और नोजिया, वोमिटिंग, इस टाइप की कंडीशन आपको देखने को
मिलेंगी किसमें, FNSTR या फिब्राइल नॉन हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में, ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन आपको ये जो रिएक्शन है वो देखने को मिल जाएंगी। कब होगा ये, यदि हम इसके होने की बात करें तो ये किसमें ज़्यादा दिखाई देगा, ये उन लेडीज में ज़्यादा दिखाई देगा जिसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी जिन्होंने कंसीव करी हो उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, और किसमें मिलेगा जिसमें मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन पहले से हो चुके हों, क्या मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन जिसमें मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन पहले से हो उनमें ये रिएक्शन आपको देखने को ज़्यादातर मिलेंगी। ठीक है जी, यदि हम कुछ स्टेट्स की बात करें तो ये 1 से लेकर 3% तक RBC के प्रोडक्ट या RBC के ट्रांसफ्यूजन में आपको देखने को मिलती है, और लगभग 30% आपको किस कंडीशन में देखने को मिलेगी, वो मिलेगी आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन में। ठीक है, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन में आपको देखने को मिलेगी। तो ये बात हो गई किसकी, FNSTR की या फिब्राइल नॉन हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, ये कुछ एक पॉइंट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट की बात यदि हम करें तो क्या होगा, वो आपका नॉन हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की बात हो रही है अभी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका एलर्जिक रिएक्शन मतलब क्या हो रही है, इसमें एलर्जियां हो रही है। ठीक है जी, एलर्जिक रिएक्शन होती है, तो एलर्जी जब भी होगी आपको ध्यान में रखना चाहिए एलर्जी किससे रिलेटेड होती है, एंटीबॉडी है वो है IgE। ठीक है जी, IgE। तो ये जो रिएक्शन होगी नॉन हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी एलर्जी की, वो IgE मीडिएटेड होगी। ठीक है जी, IgE मीडिएटेड होगी। IgE क्या करेगा, IgE जो है वो मास्ट सेल को एक्टिव कर देगा, किसको, मास्ट सेल्स को। ठीक है जी, मास्ट सेल को जब वो एक्टिव कर देगा तो ऐसी कंडीशन में क्या मास्ट सेल क्या करेगा, मास्ट सेल अपने वो क्या निकालेगा, हिस्टामिन, क्या निकालेगा जी, हिस्टामिन। अब ये हिस्टामिन जो है वो क्या करेगा, हिस्टामिन जो है वो क्या करेगा, आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम उनकी मसल्स को और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मसल्स को क्या करता है, इन दोनों को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। कौन कौन करता है, हिस्टामिन। हिस्टामिन कहां से रिलीज होगा, मास्ट सेल से। मास्ट सेल को कौन रिलीज प्रेरित करेंगे, वो करेंगे IgE। ठीक है, IgE एंटीबॉडीज। तो ये क्या करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के जो मसल्स हो उनको क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। प्लस ब्लड वेसल्स जो होंगी उनको क्या करेगा, वो डाइलेट करेगा। ठीक है जी, ब्लड वेसल्स जो होंगी उनको क्या करेगा, डाइलेट करेगा। इसलिए आपको जो सिम्टम है वो क्या देखने को मिलेंगे, वोमिटिंग, फेशियल फ्लशिंग, हाइपोटेंशन क्यों हुआ, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो है वो डाइलेटेड हो चुकी है, फैल चुकी है, इसलिए हाइपोटेंशन आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, इस टाइप के सिम्टम जो हैं कुछ आपको वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी, चलते हैं हम अपने थर्ड रिएक्शन की तरफ। थर्ड टाइप जो है वो क्या होता है, बैक्टीरियल कंटामिनेशन। ठीक है, बैक्टीरियल कंटामिनेशन मतलब क्या हुआ, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया। ठीक है जी, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, किस कंडीशन में होगा, देखिए बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की यदि हम बात करें तो वो होल ब्लड जो होगा उसके कंडीशन में रेयर ही देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। ठीक है,
किसमें आपको देखने को मिलेगा? फिर आपको देखने को ज़्यादातर मिलेगा आरबीसी। आरबीसी जो है, यदि हम आरबीसी ट्रांसफ्यूज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको आरबीसी में आपको बैक्टीरियल कंटामिनेशन अधिकतर देखने को मिलेगा उसमें भी। आरबीसी में क्यों? क्योंकि इसका जो स्टोरेज का टेम्परेचर है वो 2 से लेके 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक है, फ्रिज में रखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि कोल्ड ग्रोइंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो इसमें ग्रो कर जाते हैं, ठीक है जी। कोल्ड ग्रोइंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो इसमें ग्रो कर जाते हैं। कौन कौन से वो हो सकते हैं? 2 इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया, वो है आपका यर्सीनिया एंटेरो कोलाइटिका, यर्सीनिया एंटेरो कोलाइटिका, और दूसरा है आपका स्यूडोमोनास। ये ध्यान रखने वाली बात है, 2 इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया इसमें आपके ध्यान रखने के हैं, यर्सीनिया एंटेरो कोलाइटिका और स्यूडोमोनास, ठीक है जी। इसमें भी वही सिम्टम जो है लगभग आपको सेम देखने को मिलेंगे जो इनसे पहले आपको देखने को मिले थे। इसमें जो एक और सिम्टम आ जाएगा वो आएगा शॉक, ठीक है, शॉक भी हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी, उसमें हम हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की बात करेंगे। इस वीडियो में हमने नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की बात करी है। यदि आपको ये वीडियो ठीक लगी हो, पसंद आई हो, तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।